बैक माय चैनल लोकेंद्र फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और देखिए आज चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है किचन में। और ये देखिए नीतू। हाय दोस्तों, मैं नीतू स्वागत करती हूँ आपका लोकेंद्र फैमिली ब्लॉग में। और इधर बनाए पराठे। और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आज गर्मी कैसा लग रहा है नीतू जी आपको किचन में रह के? गर्मी का लग रहा है आज गर्मा गर्म बना रही है पराठे। गर्मी में गर्मा गर्म पराठे। और आज चाय के साथ नहीं, दही के साथ। दही के साथ गर्मी हो रही क्यों तो दही के साथ खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा। और काफ़ी दिन बाद बन रहे हैं ना। और नीतू देखो पराठे भी बहुत जल्दी जल्दी बनाती है। मशीन है ना, मेरी हाथ मशीन है। इनको लगता है कि मेरे हाथ मशीन है। पराठे बनाने का इनका अच्छा तरीका है, मतलब जल्दी। मेरे पे तो इतनी जल्दी बनते भी ना है। हाँ तो हम हमें तुम्हें और ये पराठा बन रहा है बाबू का जो कि मैं घी में बना रही हूँ और हम तो उसमें बनाएंगे रिफाइंड में। ये बना रही है देसी घी में बाबू के लिए। हाँ। ताकि सॉफ्ट रहता है, बाबू को अच्छा लगता है खाने में। हाँ, बच्चे के लिए जो हम नहीं खाते बच्चों को तो खिलाने चाहिए ना। और बच्चों के पेट वेट के लिए सबके लिए सही रहता है ये पराठा घी वाला। और नहीं तो हमारे लिए और अपने लिए बनाएंगी इस चीज़ का रिफाइंड वाला। करारा करारा पराठा बाबू का बन चुका है। एकदम मस्त वाला। बाबू के मिर्ची भी हम कम डाले हैं अपने। ये देखिए थोड़ा सा भी बचा है बिना मिर्ची का, थोड़ा सा निकाल के तो एक बना दिया है। और ये बच्चे का तो इसमें मिक्स कर देंगे। आलू के पराठे किस चीज़ को पसंद है नीतू को जल्दी ऑर्डर दे दो कमेंट में, तो बाद में बताएंगे, पहले ऑर्डर दे दो इनके लिए। हाँ, हम करके भिजवा देंगे ना ताकि आपको व्हाट्सअप कर सकें ये पराठे का। तो उसमें खाने को मिल जाएंगे? अरे खाने को नहीं मिलेगा, देखने को। ऑर्डर बुक हो जाएंगे ना। खाने को नहीं मिलेगा तो देखने के लिए मिल ही जाएंगे ना। और काफ़ी दिन बाद बन रही है इस बार। और मैं सोची बारिश हो जाए, आज बारिश का मौसम था इसीलिए। हाँ, पराठे का प्लान था बारिश हो जाएगी लेकिन बारिश हुई नहीं, आइडिया फ्लॉप हो गया। क्या करें, भगवान जी खुश नहीं है अभी। बादल तो हो रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है, पता नहीं क्या होगा। अभी मौसम बना तो था बारिश का शाम के टाइम में, लेकिन लग रहा था तो बारिश होगी पर हुई नहीं। अब पता नहीं कब होगी बारिश की। तो भाई बारिश तो जब भगवान की मर्जी होगी जब ही होगी बारिश। अब भगवान जी करा दे, भगवान जी ने टंकी थोड़ी ना भर रखी। आराम से जब उनका मन करेगा जब बरसाएंगे। देखो गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है, बस कूलर के आगे रहो तो थोड़ा आराम मिल रहा है। कूलर से थोड़ा से दर्द हो जाओ ना बस हालत खराब। और ये दिखाऊं गर्मी के मज़े, ये देखो पीयूष तो खाली कूलर के आगे उसे चाहिए। ये देखिए कूलर के आगे लेटा हुआ है, उन्हें एक मिनट भी कूलर नहीं बंद करने नहीं देते बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं। और भाई उसका ही आराम है, उसके ही मज़े हैं, हमारे तो खेल लेता है जब मन करता है, कूलर चला के लेट जाता है। हम तो बेकार है। चलो मिलते हैं, बाबू को खिला दूँ इसको। हाँ, मैं बनाऊंगी, ये खिलाएंगे, ये भी साथ में खाते हैं, इसका इनका भी बन गया। मैं भी खाता हूँ, फिर मिलते हैं। बनाऊंगी और ये खाएंगे बनाने के बाद। नीतू बोल रही है आप लोग भी आइए खाइए पराठे गर्मा गर्म। अभी ना हो चुका और नीतू ने रख दिए करेले धो धा के सब्जी भूने ताज़ा। और ये देखिए नीतू देख रही है सीरियल। और ये देखिए नीतू जी देख रही है सीरियल। और पीयूष भी सो गए, खाना खाकर सही हो गया है। बीच में सोता है ना कोई इंसान, अगर सो सकता है इधर सो सकता है, यहीं पर सोता है, ऊपर सरकार रहा तो रो जाता है। और खाइए पिए मस्त रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही। कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, सबको गुड नाइट।